अभिनेता सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर ने सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी है इससे पहले सलमान खान के घर पर गोली भी चल चुकी है सलमान को धमकी और उनके दोस्त और नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद देश में एक नई बहस चल उठी है कि अब की अब गैंगस्टर की धमकियों ऐसी हाई प्रोफाइल लोग क्या घरों में कैद हो जाए इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत से जब पूरे मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांग ले जिससे उनकी जान बच जाए गलतियां तो सबसे होती रहती हैं अगर एक माफ़ी से मामला निपट जाता है तो उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए गलती तो सभी से होती रहती है नहीं तो ये विवाद चलता रहेगा इसमें पता नहीं कौन कौन लपेटे में आएगा और विवाद निपट जाए तभी ठीक है वही साध्वी प्राची द्वारा बिश्नोई की गांधी से तुलना करने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सबकी अपनी अपनी सोच है और वो भी विवाद की जड़ है जिसने ये कहा साहब लॉरेंस बिश्ने को लेकर कल साधु प्राची ने एक बयान दिया है कि वो गांधीवादी है और मानवता का प्रेमी है पर्यावरण प्रेमी है देखो वो पूरा एक बड़ा समाज है बिश्नोई समाज वो पर्यावरण और जीव की रक्षा करता है उनका एक विवाद चल रहा विवाद में ये है कि भाई जिसके खिलाफ वो हिरन मारने का केस है उन्हें है कहा कि हमारे समाज से हमारे मंदिर में कहीं पे भी जाके और सॉरी फील कर ले अगर राड मटती हो तो सॉरी फील कर लो हो जाती है गलती चलती भी। नहीं तो यार पता नहीं कौन कौन लपेटे में होगा अपना निमटा लेना चाहिए राड तो जब निमट जाए जब ही ठीक लेकिन गांधी से तुलना करना कितना अरे क्या बता भाई सबकी अपने अपनी सोच रहे हैं राड़ी की जड़ है, जिसने कहा वाबी राडे की जड़ है आपको बता दें कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था ये मामला कोर्ट में भी चला था इसी काले हिरण के शिकार को लेकर बिश्नोई समाज सलमान खान से नाराज है और इसी समाज का एक गैंगस्टर उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ा है इसी मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत अपना बयान दे रहे थे टिकैत ने कहा कि यदि सलमान खान ने माफी नहीं मांगी तो जेल में बंद कोई व्यक्ति कब क्या कर दे इस पूरे मामले पर जेल में बंद गैंगस्टर बिश्नोई के भाई रमेश बिश्नोई ने भी सलमान को माफी मांगने की सलाह दी है रमेश ने कहा कि सलमान को काले हिरन के शिकार के मामले में माफी मांगनी चाहिए क्यूँकी बिश्नोई समाज इस मुद्दे आरोप एकजुट होकर एक साथ खड़ा है पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर ऐसी अमित कुमार की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद